नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, यदि आप किसी भी तरीके का बारकोड लेना जा रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। या किसी भी तरीके की ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, किसी भी तरीके से किसी भी मार्केट प्लेस अमेजोन फ्लिपकार्ट रिलायंस जियो पे अपना सामान बेचने वाले हैं या बेच रहे हैं, तो आपको किस तरीके के बारकोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बारकोड्स आजकल बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और आज के टाइम पे बारकोड अगर किसी के पास नहीं है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरीके से बातचीत करनी है, क्या करना है, कैसे लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से होता है, हमने अब तक बहुत लोगों को बारकोड्स में मदद करी है और मदद करते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका ये उद्देश्य कि हाँ जी आप बारकोड लेना चाहते हैं, ई कॉमर्स सेलर के तौर पर ई कॉमर्स सेलिंग करना चाहते हैं बारकोड्स के थ्रू, तो आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हाँ जी बारकोड होते क्या है। तो देखिए, कोई भी एवरीथिंग जो भी आप सामान लेना चाहते हैं, जिसको भी आप मतलब डिनोट करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेड बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पे कंट्रीज के बीच में, बारकोड जो है वो इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में, हैसल फ्री लॉजिस्टिक्स में, मतलब जो लॉजिस्टिक्स हैं जो सामान का इधर उधर होता है उसमें हैसल फ्री करने के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड करने के लिए। नो डाउट टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, ड्राइविंग फैक्टर है इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन एक तरीके से बनता जाता बहुत ही इजी और इफेक्टिव बिजनेस को मदद करता जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो नई नई टेक्निक्स लेके आ रही है, और इसी एक टेक्निक्स का एक उद्देश्य है जिसका नाम है बारकोड्स। जो बारकोड्स हैं वो यूज होते हैं ताकि वो मदद कर पाएंगे हाँ जी जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं पूरे कंट्रीज में अराउंड द ग्लोब, वो हैसल फ्री हो जाए और वो कंप्लाई करेंगे हाँ जी इजिली हो जाए बिना किसी दिक्कत के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्मूथ हो जाए, लॉजिस्टिक स्मूथ हो जाए और प्रोडक्ट का कैरिफिकेशन होना भी बहुत इजी हो जाए। तो यदि आपकी कोई भी बारकोड को रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हाँ जी और हमारे पास बारकोड को लेके क्या है। देखिए, बारकोड होता क्या है, देखिए एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्ड इमेज होती है प्रोडक्ट पे, कंटेन करता है सीरीज ऑफ ब्लैक एक तरीके से व्हाइट लाइंस और अरेंज्ड इन डिफरेंट यूजिंग पैटर्न्स। तो इस तरीके से बारकोड कुछ होता है, कॉमनली रेफर्ड होता है कि हाँ जी कोड होता है उसमें, इमेज होती है, रीड करा जा सकता है एक स्कैनर के थ्रू। तो बारकोड का एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ जी वो इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मदद करता है। तो अगर आपकी ड्यूरिंग कोई शिपिंग और डिलीवरी है, जैसे कि आपका कोई एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ कि सिमिलर प्रोडक्ट्स आपके शिफ्ट होना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे From India to the US, आप इंडिया से US सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो ये बहुत ईजिली हो सकता है। अगर आप इंडिया के इंडिया में भी करना चाहते हैं वो भी आसानी से हो जाता है। तो हर प्रोडक्ट जो भी डिफरेंट लोकेशन पे जाता है उसका एक यूनिक बारकोड होता है, बारकोड आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है प्रोडक्ट को कि हाँ जी क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से आउटर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट पे लग जाता है बारकोड, रिकॉग्नाइज हो जाता है उसके थ्रू प्रोडक्ट के हाँ जी रिटेल स्टोर पे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से, कितनी क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, उस वेयर हाउस की थोड़ी डिटेल्स होती है, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है, इनवॉइसेस के बारे में सब कुछ सारी चीजें वो बारकोड प्रोवाइड करा देता है। तो बारकोड एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो कि बहुत ही बढ़िया क्लासिफिकेशन करके देता है, बहुत आसानी से करके देता है। अब टाइप्स ऑफ बारकोड्स की हम बात करें तो बहुत तरीके के बारकोड्स होते हैं, बट कुछ जो मेन बारकोड्स होते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। जैसे कि मेनी बारकोड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इंडस्ट्रीज की वर्ल्ड वाइड अलग अलग होती है। अब इसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ जी कुछ साइज में डिफरेंट होते हैं, कुछ लिनियरिटी में, कुछ मटेरियल में, ठीक है। अब हम उसमें बातचीत करते हैं। देखिए, लिनियरिटी जो होती है बारकोड की वो स्कैनेबल एरिया होता है, तो लिनियरिटी वाले बारकोड होते हैं स्कैनेबल एरिया वाले। कैपेसिटी रिफर करती है कि पोटेंशियल कॉम्बिनेशन कितना है जो कि बारकोड फॉर्मेट में है। एक चेकसम ये भी है कि हाँ जी स्टैंडर्डाइज पार्ट बारकोड का वेरीफाई करता है इन्फॉर्मेशन स्कैन करने पे करेक्टली या नहीं करता। जो मोस्टली यूज बारकोड होते हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे अब। जैसे कि डायमेंशनल बारकोड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसके ऊपर जो बारकोड लगते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं नंबर्स और अल्फाबेट्स के। अब आते हैं यूपीसी बारकोड जो कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स होते हैं, जैसे कि 12 डिजिट का कोड होता है, ठीक है, अबाउट द मैन्युफैक्चरर, यूनिक कोड वगैरह, टाइप, साइज वगैरह वगैरह। ईएन यूरोपियन आर्टिकल नंबर कोड्स होते हैं, जैसे कि ईएन स्टैंडर्डाइज होता है, बारकोड इमेज होती है इस पर रिप्रेजेंट करता है 13 डिजिट का GTIN। मोस्ट प्रोडक्ट्स पे कंज्यूमर शॉप्स पे यूके में, ग्लोबली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह में ये सारा होता है ईएन
डायमेंशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, देखिए जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के टू डायमेंशनल बारकोड्स हो गए, वो कंटेन कर रहे हैं नंबर ऑफ डॉट्स के हाँ जी अरेंज्ड हैं यूनिक पैटर्न में। दीज बारकोड, जो भी ये बारकोड होता है वो कंसीडर करे जाते हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योर है आपका प्रोडक्ट इन बारकोड्स के थ्रू, और लार्जर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें स्मॉल स्पेस में जाती है। उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स और QR कोड्स आते हैं इसमें, 2D बारकोड्स भी आते हैं आजकल। कैसे किया जाए कि हाँ जी बारकोड लिया जाए, देखिए GS1 एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बारकोड्स प्रोवाइड करता है। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी हैं जो बारकोड्स देती हैं, और कई ऐसे प्राइवेट बारकोड्स भी हैं जो कि चलते हैं आज के टाइम पे। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बारकोड्स को लेके, कोई भी किस तरीके से लिया जाए, कैसे लिया जाएगा, किस तरीके से ई कॉमर्स सेलर के तौर पर हम ले सकते हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9909694230। इस पर हम पूरी मदद करेंगे कि आपको बारकोड मिल जाए। अगर आप यूनिक बारकोड पे इंटरनेशनली प्ले करना चाहते हैं तो GS1 बारकोड्स होते हैं। GS1 बारकोड्स का अगर आप मैं बोलूं कि हाँ जी यूनिक बारकोड्स होते हैं, एक तरीके से डिफरेंट इनकी अवेलेबिलिटी होती है, डिफरेंट इनकी रिकॉग्निशन होती है, तो अलग तरीके का फॉर्मेट होता है। तो GS1 अलग है, और अगर मैं बोलूं GS1 एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बोला जाए तो GS1 बहुत आसानी से बोल सकता हूं, और प्राइवेट बारकोड्स अलग होते हैं। प्राइवेट बारकोड्स के अलग नियम होते हैं और GS1 के बारकोड्स के अलग नियम होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस यूजिंग के, हाँ जी हम ई कॉमर्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम कहीं भी भेज रहे हैं तो बारकोड्स में कितनी मदद मिलती है, किस तरीके से मदद मिलती है। देखिए एक तरीके से इंक्रीज कर देता है एक्यूरेसी और स्पीड। बारकोड जो है वो प्रोडक्ट को सेफर स्मार्टर वे में डाटा रिलेटेड टू शिपमेंट, जितने भी शिपमेंट्स होती हैं, ट्रेड आइटम होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद दे देता है। बहुत आसानी से आप आसानी से बिना किसी दिक्कत के आप भेज सकते हो बारकोड्स के थ्रू, और बहुत ही ईजिली आप अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हो। रिड्यूस कर देता है एरर और रिस्क ऑफ लॉस, आपके प्रोडक्ट लॉस नहीं होते कहीं स्कैनर के थ्रू। टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से यूज करती है, प्रोसेस करती है प्रोडक्ट्स को, जितने भी एरर्स हैं उसको लोअर कर देती है। एडिटेड ईडी बहुत आसानी से हो जाती है, इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हैं वो भी हो जाता है। इंक्रीज कर देता है ट्रेड, फिजिकल स्टोरेज, प्रोडक्ट डाटा, सारी चीज़ों को। तो अगर आप करना चाहते हैं, आप मेंटेन करना चाहते हैं अपनी शीट्स को, मैनुअली अपडेट करने से आप हट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो बारकोडिंग एक नया कन्वीनियंट वे है जिसके थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं अपना डाटा, शीट्स, इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें। बेटर रहता है कि हाँ जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया टूल है, रीजन फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज्डली आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं इन्वेंट्री को। बारकोड्स हाईली रिलायबल है, रिकमेंडेड है एक तरीके से, और इजी ट्रैक करता है कि हाँ जी शिपमेंट जो कुरियर के थ्रू जो आप सामान भेजें उसका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि बारकोड को आइडेंटिफाई करना क्लियर आइडिया के थ्रू बहुत आसान होता है। एम्प्टी कर देता है एक तरीके से इन्वेंट्री और स्टॉक्स को, और लोअर कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है। बारकोड का जो सिस्टम होता है वो क्विक, इजी और रिड्यूसिंग कॉस्ट के तौर पर होता है। बारकोड्स अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ई कॉमर्स में सेलर हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आपकी इंक्रीजिंग डिमांड इंडियन प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ जाती है। बिजनेसेस जो कि MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो ऑनलाइन एक्सपोर्ट्स बढ़ा देते हैं। अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग में आप बहुत अच्छी तरीके से ब्रांड के तौर पर होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर के नेटवर्क में आ सकते हैं। इंटरनेशनली भी आप 18+ मार्केट प्लेसेस जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस पर जा सकते हैं। इवन USA, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, UAE में भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो लिस्टिंग ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बारकोड को लेके, आप बारकोड लेना चाहते हैं, आप बारकोड को लेना चाहते हैं, आप बारकोड के डॉक्यूमेंट जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं ई कॉमर्स बारकॉलर बारकोड किस तरीके से यूज करें, बारकोड किस तरीके से ई कॉमर्स सेलर के तौर पर लिए जाए, हम कहाँ से ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन होता है, कितने टाइम पीरियड में मिलता है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, कैसे कैसे लें इसको, लेने के बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या रिन्यू होता है, या किस तरीके से ये चलते हैं, कितने तरीके की कैटेगरीज, अगर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो उसके लिए क्या करा जाए, कैसे लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, सारी चीज़ों का अध्ययन हमने निकाला हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस नंबर पर, दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपनी डिटेल्स को, और अब आपकी पूरी मदद करेंगे। ऑल दो ये पेड और एक तरीके से पेड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर चीज में कॉस्ट लगती है, तो वो सारी चीजों का ध्यान जरूर रखें। एंड थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। वीडियो पसंद आओ तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। एंड थैंक यू सो मच।